Hey guys, welcome back to my YouTube channel and I am back with another vlog. Today is Tuesday and taking back and biceps today, one of my favorite part is back exercise. लेकिन कल जब मैंने वेटेड स्क्वाट्स किए थे विद दी बार्स ऑन दिस स्मिथ मशीन, सो यहाँ पे मेरे थोड़ा थोड़ा पेन है या फिर कहूँ थोड़ी बहुत सॉरनेस है. अगर थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आती है मुझे बैक के वर्कआउट करने में, सो लाइक उतना प्रॉपर वर्कआउट नहीं करूँगा, लाइक उतना हैवी भी नहीं जाऊँगा, उतने रिपीटेशन भी नहीं करूँगा. लेकिन अगर उतना नहीं हो रहा, उतना डिस्कम्फर्ट सा नहीं लगेगा, देन फिर नॉर्मल जो बैक की वर्कआउट है दैट आई विल बी टेकिंग. सो स्टार्ट कर देता हूँ वार्म अप करके. Deadlift today and the first exercise in the back I took today is the bent over rowing and three sets I did and the weights were 10 kg on each side and I increased 5 kg and 2.5 kg more, so three sets only at 12 repetition each. So the next I will be doing is the seated machine row. Heavy sets of the machine row and the next I will be doing is a bit different. I will do 50 pull-ups ek set mein hi, alag-alag sets mein karunga, lekin total 50 pull-ups and let's see ki main kitne sets mein complete kar pata hu 50 pull-ups and kitne time mein bhi kar pata hu. So stopwatch bhi laga dunga apne phone mein and stopwatch to nahi ho payega because camera on rahega to stopwatch to cancel ho jayega, to wo to nahi ho payega. Theek hai, main ghadi mein dekh lunga कि कितने टाइम में मैं कर पाता हूँ, लेकिन 50 पुलअप्स का खुद को चैलेंज देता हूँ कि कितने सेट्स में कर पाता हूँ. स्टार्ट कर देता हूँ. That was the first set and 8 repetition neutral grip pull-ups and time भी मैंने note कर लिए. So देखा जाए तो 6 sets में complete होनी चाहिए 50 pull-ups. So 8 repetition again in the second set. Third set and again 8 repetition and I guess the challenge is what you know pushing me. So 3 more sets. So that was the set 4 and did 9 repetitions, 9 clean repetitions. 9 more sets to go and just I guess 9, 10, 8, 17 more repetition and 50 repetition will be done of the pull-up.
That was 8 repetition in the 5th set. And one more set. I have to do 9 repetition now. And काफ़ी तेज बारिश भी आ गई. सो जस्ट वन मोर टू गो एंड 50 पूरी हो जाएंगे. 9 पूरे करने मुझे. सो दैट वॉज 9 रिपीटिशन मैंने ट्राई किया फुल, लेकिन आई गेस वो एक पुलअप की रेंज होती है, रेंज ऑफ मोशन के एक पूरा प्रॉपर रिपीटिशन हुआ है. आई गेस शायद से वो नहीं कम्प्लीट हो पाया बिकॉज दैट 9th रिपीटिशन वॉज मे बी नॉट अ कम्प्लीट रिपीटिशन. सो लेकिन वैसे मैंने पूरे 50 रिपीटिशन का अटैम्प्ट कम्प्लीट किया. सो एक तरीके से देखा जाए तो चैलेंज तो मैंने कम्प्लीट किया 50 पुलअप का. एंड अब बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है आर्म्स में बिकॉज आई एम ऑलरेडी पम्प एंड माई मसल्स आर पम्प. सो बाइसेप्स में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज करूँगा. सो लाइक केबल कर्ल्स कर लेता हूँ एंड स्टैंडिंग हैमर कर्ल्स कर लेता हूँ बायलैटरल, दैट मीन्स बोथ द हैंड डंबल्स. सो बस इतने फिनिश करता हूँ बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा एंड मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल भी इंजरी हो मुझे. That was 3 sets of cable curls and मैंने weight बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं की, वेट कॉन्स्टेंट रखे एंड रिपीटिशन भी कॉन्स्टेंट ही रखा 12. सो जिम से निकल कर कल की तरह मैं आया हूँ ऑमलेट पाव खाने एंड अभी तक तो ये शॉप खुली नहीं है लेकिन खुल रही है. सो थोड़ा वेट करना पड़ेगा. कल भी मैं यहीं पे आया था लेकिन फ़ोन की बैटरी नहीं थी तो शूट नहीं कर पाया बिल्कुल भी, लेकिन आज ज़रूर शूट करूँगा. ये दुकान तो खुल गई है लेकिन बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है एंड मुझे तो और वेट करना पड़ेगा. काफ़ी अच्छी खासी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई. जब मैं जिम से निकला था तो उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी लेकिन अब तो काफ़ी तेज़ हो गई है. सो बारिश में ऑमलेट पाव खाने का एक अलग ही मज़ा है. मैंने तो सोचा था कि 20 मिनट्स में हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है. एंड पीछे आप वो पेड़ गिरते देख रहे हो. सो इन कच्ची दुकानों पे कहीं वो पेड़ ना गिर जाए इसलिए पेड़ की जो डालियाँ होती है उन्हें तोड़ा जा रहा है, उन्हें काटा जा रहा है. फाइनली द वेट इज़ ओवर एंड मेरी ऑमलेट पाव बनने वाली है एंड अभी तो बारिश भी रुक गई. सो अच्छी बात हो गई अभी. हाफ एन आवर का वेट, 30 मिनट्स तक मैंने वेट किया लेकिन बहुत लेट फाइनली मुझे ऑमलेट पाव खाने को मिल गया. सो ऑमलेट पाव खा के तो हो गया एंड बारिश भी रुक गई है. सो आ तो रही है लेकिन उतनी तेज़ नहीं है. सो जल्द से जल्द घर पे निकल लेता हूँ मैं. आज तो कुछ ज़्यादा ही हवा चल रही है एंड ये मेरी टी शर्ट को देखिए एंड ये छाते को मैंने यहाँ पे सामने पकड़ के रखा है. मेरे ऊपर देखिए बिल्कुल भी छाता नहीं है क्योंकि बारिश एकदम सामने की ओर से आ रही है एंड कितनी तेज़ हवा चल रही है. ज़रा टी शर्ट की ओर गौर कीजिए.